वरिष्ठ नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से और 25 करोड़ जनता की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। यह संकल्प पत्र देश के सभी नागरिकों को एक मोदी की गारंटी है, गारंटी डिग्निटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की अपेक्षा को पूरा होने की गारंटी है। यानी मोदी की गारंटी का मतलब बिना भेदभाव के हर तबके के लोगों को ले, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। इस संकल्प पत्र में जो चार आधार बनाए गए हैं वह है युवा, महिला, अन्नदाता किसान और गरीब। इन चारों के उन्नयन के लिए कार्य करना। आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके उनके जीवन में परिवर्तन आया। हमारा जो युवा के लिए अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जारी हुई, वे पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंडअप की योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या रोजगार से जुड़े हुए अन्य सभी कार्यक्रमों के साथ साथ निवेश को नौकरी के साथ जोड़ने के अलावा अन्य अनेक रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को विकसित करने के कार्यक्रम को भी इस संकल्प पत्र में स्थान दिया गया है। महिलाओं के लिए आपने देखा होगा 10 करोड़ महिलाओं को महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के साथ ही अब अगले 5 वर्ष के एक नए विजन के साथ उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन को आधार बनाने का कार्य हुआ है। हर एक सेक्टर को छूते हुए इन चार आधार स्तंभों को ध्यान में रखकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना यह लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। यह संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, अवश्य पूरा होगा। और इस अभियान को जो एक विजन संकल्प पत्र के माध्यम से दिया है, इसको भारतीय जनता पार्टी का कोटि कोटि कार्यकर्ता अपने जीवन का मिशन बना करके विकसित भारत की संकल्पना को साकार बनाने का कार्य करेगा, देश की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना पूरा योगदान देगा। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस संकल्प पत्र के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद। नकल विरोधी कानून को सख्ती से लागू करने की बात कही। तो योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप सुन रहे थे और किस तरीके से ये घोषणा पत्र बीजेपी की तरफ से जो संकल्प पत्र मोदी की गारंटी जारी किया गया है, कैसे ये देश को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाएगा और कैसे देश को विकसित करेगा, इसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया।